जिनका बहुत बड़ा संगठन नहीं बना वो क्या वोट करने की बात आ सकते हैं। अरे इस पार्टी को कैसे कैसे आपने बताया पूरे प्रदेश में से आपने संजय जी को बता दिया हरियाणा कांग्रेस में जारी गुटबाजी के बहाने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पूर्व सीएम हुड्डा पर निशाना साधा है। धनखड़ ने कहा कि हुड्डा ने घरेलू राजनीति के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं को निपटा दिया। ओपी धनखड़ और प्रदेश पार्टी प्रभारी विप्लव कुमार देव रोहतक में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे थे। इस मौके पर पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के उस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चुटकी ली है, जिसमें चौटाला ने भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने का संदेश दिया है। इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और इनेलो का डीएनए अलग अलग है, जो कि आपस में मेल नहीं खाता। धनखड़ ने कहा कि इनेलो भाजपा के साथ तो आ सकती है, लेकिन कांग्रेस के साथ कतई नहीं। अरे इस पार्टी को कैसे कैसे आपने बताया पूरे प्रदेश में से आपने संजय जी को बता दिया कुलदीप बिश्नोई साथ में अपना बहुत होता था ऐसे हालात पैदा किए आज कमल नहीं थे हमारे साथ आप हो गए हालात तो आपने एक एक करके खाने लगा दिया कांग्रेस का भाई दूर 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 तो कांग्रेस ही उस कांग्रेस का तो कहावत है कांग्रेस तो प्रदेश का नहीं बना सकती। अरे एक अध्यक्ष को लठिया के तुमने दिल्ली में उतार दिया अशोक तंवर को, एक बेचारी शैलजा को तुमने अपनी कार्यकारिणी नहीं बनाने दी, और तीसरा अध्यक्ष भी रोज कहता है कार्यकारिणी आवेगी आवेगी आवेगी, एक तो पत्रकार ने भी लिखना छोड़ दिया आवेगी कि नहीं आवेगी, जिनका प्रदेश का संगठन नहीं बना। और वाले ज्ञानी आड़े तुम समझ जाओ मैंने कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो चौधरी देवीलाल की फोटो मारे पोस्टर पानी, क्योंकि आदित्य देवीलाल मारी पार्टी का जिला अध्यक्ष मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन, भजन लाल की फोटो मारे पोस्टर पाली, एक फोटो रैली है कदे वाह विवाही कती राव वीरेंद्र सिंह जी की फोटो मारे पोस्टर पे, क्योंकि कांग्रेस ने उड़े थे भी राव इंद्रजीत सिंह जी मारे साथ, क्या इसके बावजूद भी कोई ये सोच सकता है कि कांग्रेस पार्टी राज बनाओगी? सारा हरियाणा तो आपने एक एक करके ठिकाने लगा दिया, और आप ये कहते फिरते हो कांग्रेस कांग्रेस का भाई, दूर दूर तक जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस का तो आप लोगों ने निपटाने का काम किया अपनी घरेलू राजनीति के लिए। और जहां मैं देश भर की बात करूं वहां भी हम सब हालत देख रहे हैं। ये मान लो कोई भाई पड़ जा और दौरे खड़े और आदमी का नाम लगाओ है कि मैं ने गेट दिया, क्या राहुल गांधी वाला किस्सा ऐसा ही नहीं? अपने यहां प्रदीप चौधरी काल का उन्हें एक धरना दिया भाई हिमाचल प्रदेश, उन पर एक केस बन गया, उनको 2 साल की सजा होगी, उनकी सदस्यता रद्द होगी। किसी ने कांग्रेस ने वो धरना दिया, किसी ने मुद्दा उठाया, गुलशन बताओ इतना अखबार में कोई पढ़ा चाचा नाथी नरेंद्र वत्स, वो हाई कोर्ट में गया भाई, हाई कोर्ट ने सटे दे दिया, वो फिर विधानसभा में आ गया। ये राहुल का बिल्कुल ऐसा ही केस नहीं है, इन्हें एक भाषण दिया, भाषण में लोगों ने कहा माफी मांग लो, माफी इसने मांगी नहीं, बोला मैं माफी नहीं मांगता, इसका अहंकार अड़ जाता। क्या अहंकारी नेता को जनता पसंद करती है?
जनता उसने तेरे पसंद करती है, गलती ना हुई हो फिर भी माफी मांग ले कि मेरे सपनों को गलत समझ लिया गया, मैंने गलत कहा तो नहीं था, फिर भी माफी मांगता हूँ। और हरियाणा वाले तो तकनीक बता देते, पटेल जी हमारे यहाँ तो ये है, अगर ये मनीष जी की घराड़ी बैठी हो तो ये भाषण में पता है क्या कहते, एक को छोड़कर सारी माताओं बहन